मॉड्यूल वन हंड्रेड एंड एटी नाइन डायरेक्ट असैसमेंट सो ना वी विल टॉक अबाउट दोज असमेंट्स कैन यूज विद द क्लाइंट इन ऑर्डर टू असैस दैट वैदर ही और शी इज एक्सपीरियंसिंग साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर और नॉट सो इसके अंदर हम दो स्केल्स की बात करेंगे एक चिल्ड्रन ग्लोबल असेसमेंट स्केल एंड द सेकेंड वन इज द मूड एंड फीलिंग क्वेश्चन है आप सो जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन ग्लोबल रीडिंग स्केल की तो बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि हमें ये पता चल सके कि जो बच्चा है उसकी इम्पेयरमेंट कितनी है ठीक है यानी उसकी सोशल एजुकेशनल ऑक्योपेशनल जो एम्पेयरमेंट है उसका क्या लेवल है ये चीज़ मैयर करना क्यों ज़रूरी है बिकॉज हम ये कहते हैं कि जो साइक्लोथीमिया है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इम्पेयरमेंट uh, रिपोर्ट की जाती है एज कम्पेयर टू अदर बाइपोलर डिसऑर्डर्स सो एयर वी विल डिस्कस चिल्ड्रन ग्लोबल असेसमेंट स्केल इसकी जो स्कोरिंग है वो वन टू हंड्रेड पॉइंट के ऊपर होती है जिसके अंदर अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ आपको की नज़र आएगी नाइन्टी वन से वन हंड्रेड तक सुपीरियर फंक्शनिंग है एटी वन से नाइन्टी तक गुड फंक्शनिंग है इसी तरह अगर आप देखें फिफ्टी वन से सिक्सटी तक वेरिएबल फंक्शनिंग विथ स्पोरेडिक डिफिकल्टीज हैं उसके साथ अगर आप देखें थर्टी टू ट्वेंटी वन के ऊपर तो अनएबल टू फंक्शन इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज है देन वन टू टेन में देखें तो नीट कॉन्स्टेंट सुपरविजन है तो इसका अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनका मतलब क्या है अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो कि नाइन्टी वन से लेकर हंड्रेड के अंदर जब हम एक कहते हैं कि एक बच्चे की फंक्शनिंग लेवल जो है वो सुपीरियर है तो उसका मतलब क्या है कि होम में स्कूल में और पीयर्स के साथ जो है तो वो जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं या हॉबीज़ हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो उनके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है ठीक है और कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कि उसके हाथ से निकल जाए ठीक है आउट ऑफ हैंड हो जाए या वो उसके बारे में वर्ड हो जाए यानी इन अदर वर्ड्स किसी किस्म का सिम्टम उसके अंदर नहीं है जब हम बात करते हैं फोर्टी वन टू फिफ्टी की तो इसका मतलब है कि जो मॉडरेट डिग्री है इंटरफेरेंस की फंक्शनिंग लेवल के अंदर आ रही है ठीक है यानी जो बच्चे का फंक्शनिंग लेवल है वो इम्पेयर हो रहा है जिस तरह उसके स्कूल रिफ्यूजल आ रही हैं सुसाइडल प्री ऑक्यूपेशन है कन्वर्सेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं एनजाइटी अटैक्स आ रही है सोशल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इस तरह आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट को उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है देन टू टेन के अंदर क्या आएगा कि जिसके अंदर कॉन्स्टेंट सुपरविजन की उसको ज़रूरत पड़ेगी एग्रेसिव और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स होंगे रियलिटी टेस्टिंग जो है वो इम्पेयर होगी कम्युनिकेशन और पर्सनल हाइजीन जो है वो भी उसकी पुअर होगी तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जो बच्चे की ग्लोबल फंक्शनिंग लेवल है वो कैसी है देन वी विल डिस्कस अबाउट द मूड एंड फीलिंग क्वेश्चन एयर मूड एंड फीलिंग क्वेश्चन ईयर जो है इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि जो बच्चा है उसका मूड ज्यादातर कैसा रहता है ठीक है और उसने उसको रिपोर्ट करना है नॉट ट्रू टाइम एंड ट्रू के ऊपर जैसा नंबर वन है आई फेल्ट मिजरेबल और अनहैप्पी आई डिड नॉट इन्जॉय एनी थिंग एट ऑल आई वॉज रेस्टलेस आई हेटेड माई सेल्फ आई फेल्ट लोनली आई डिड एवरी थिंग रॉन्ग तो जब इस किस्म की मूड है उसके ऊपर उसने रेट करना है अगर उसको फील हो रहा होगा लाइक आई फेल्ट लोनली और वो उसके लिए सही होगा तो वो ट्रू पे मार्क करेगा आई वॉज वेरी रेस्टलेस और वो समाइम्स में होगा तो आप वो यहाँ पे रेड करेगा आई फेल्ट मिजरेबल और अनहैप्पी अगर ये ट्रू होगा तो वो उसको ट्रू मार्क करेगा ठीक है तो इस तरह जो है वो हम उसकी मूड के बारे में असेसमेंट जो है वो ले सकते हैं और उससे हमें आइडिया हो सकता है कि आई द चाइल्ड इज हैविंग साइक्लोथेमिक सिम्टम्स और नॉट